हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। मैं डॉक्टर रीता कश्यप फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक्ने प्रोन स्किन की डेली स्किन केयर रूटीन के बारे में। एक्ने प्रोन स्किन को हम कैसे इसकी देखभाल करें, और साथ ही साथ बात करूंगी टॉपी बर्बेरिस एक्विफोलियम के बारे में। तो अंत तक वीडियो में जरूर बने रहे। जब बात आती है हमारी स्किन की, तो हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं अपनी स्किन के लिए, बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं स्किन प्रॉब्लम्स के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, जब भी हमारी टीन एज आती है, मीन जब हम टीन एज में एंटर करते हैं, तो हमें बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। वो ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा हमारी स्किन पे, स्पेशली हमारे फेस पे, जो बहुत इरप्शंस हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, और बहुत हमारी डर्टी लुक स्किन हो जाती है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि, और हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं कि जिससे हम सुंदर दिखे, जिससे हमारी स्किन क्लियर दिखे, क्लीन हो जाए। तो हम बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। तो आज मैं बात करूँगी कि हम एक्सपेशली जो है एक्ने प्रोन स्किन, जिनको पिंपल्स, एक्ने की प्रॉब्लम रहती है, उनको अपनी स्किन की देखभाल कैसे करनी है। और साथ ही साथ बताऊंगी एक बहुत अच्छी क्रीम के बारे में, एक बहुत अच्छी मेडिसिनल क्रीम के बारे में, जो एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो बात करेंगे स्किन केयर रूटीन की, कि जब भी आप स्किन केयर रूटीन में, कि जब हम हर रोज जो है हमें कौन सी ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे हमारे एक्ने में, हमारे पिंपल्स में जो है वो इम्प्रूवमेंट हो, वो ठीक हो जाए, हमारी स्किन हेल्दी हो जाए। तो शुरुआत करते हैं क्लिंजिंग से। सबसे पहले आपने क्लिंजिंग पे ध्यान देना है। क्लिंजिंग मीन्स कि अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है, और दिन में 2 बार आपको फेस को वॉश करना है, मॉर्निंग में जब आप सो के उठते हैं, और रात को जब आप सोने जाते, मतलब बिफोर गोइंग टू बेड, आपको अपने फेस को पहले अच्छे से क्लीन करना है, तब आप जो है अपना बेड पे आप सोने जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेस वॉश की। फेस वॉश कोई भी अच्छा जो आपकी स्किन के नेचर को करस्पॉन्ड करे, उसको वो वैसा फेस वॉश आपको यूज करना है जो कि आपकी स्किन की नेचर के अकॉर्डिंग हो। कोई भी ऑयली बेस्ड नहीं यूज करना है। जेल बेस्ड फेस वॉश आप यूज कर सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि हर्बल हो फेस वॉश। फेस वॉश अच्छे से फेस वॉश करना है 2 टाइम्स, मॉर्निंग में भी और रात को सोने से पहले भी आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कीजिए। उसके बाद आपने टोनर यूज करना है। टोनर बहुत कम लोग यूज करते हैं। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, तकरीबन 5 से 10% लोग होंगे जो टोनर यूज करते हैं। टोनर जरूर यूज कीजिए। टोनर क्या होता है? टोनर हमारे फेस से जो आफ्टर फेस वॉश बच जाती है, जो डर्ट, एक्स्ट्रा ऑयल और जो मेकअप रह जाता है, उसको निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मींस कि हमारे फेस को डीप क्लींस करता है, हमारे फेस की पीएच को मेंटेन करके रखता है, बैलेंस करके रखता है। तो टोनर बहुत ज़रूरी है। आप आफ्टर फेस वॉश टोनर ज़रूर यूज़ कीजिए। आप एस्ट्रिजेंट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी मेडिसिनल बेस्ड जो जेल यूज़ कीजिए, जो स्पेशली आपकी प्रॉब्लम के लिए है, वो यूज़ कीजिए। और नाइट में आप उसको यूज करके आप सो सकते हैं, बट इन मॉर्निंग में आप उसके बाद कोई भी सनस्क्रीन, अच्छे अच्छी जो बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो, वो वाली सनस्क्रीन यूज़ कीजिए, और फिर आप स्टेप आउट कर सकते हैं बाहर। तो ये तो बात थी हमारी स्किन केयर रूटीन की भी। अब बात करेंगे कुछ डाइट की। डाइट स्पेशली आपको हाई रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो आते हैं वो अवॉइड करने हैं। सेकेंडली आपको जो है बहुत ज़्यादा शुगरी डाइट नहीं लेनी है, चॉकलेट कम से कम लेने हैं। और बात करेंगे कर्ट ले सकते हैं आप। कोशिश कीजिए कि एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लीजिए, एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, बहुत ज़्यादा पानी पीजिए। जितना इनटेक ऑफ वाटर आपका ज़्यादा रहेगा, उतने आपकी जो ऑयल बैलेंस है स्किन का, वो मेंटेन रहेगा। और आपको अवॉइड करना है बहुत ज़्यादा, आपने जो है स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अवॉइड करना है। स्लीप, साउंड स्लीप लेनी है, 6 से 8 घंटे जो आपको साउंड स्लीप लेनी है। और कोशिश करना है कि आप बार बार जो है अपने स्किन को टच ना करें। मींस कि आप एस्पेशली क्या होता है कि जितने भी एक्ने प्रोन स्किन रहती है, वो बार बार पोक करते हैं अपने पिंपल्स को, या बार बार टच करते हैं अपनी स्किन को, वो अवॉइड करना है। और ऐसी चीजें जो आपकी कंटिन्यूसली टच में रहती है आपकी स्किन की, स्पेशली आपकी फोन और आपका पिल्लो जो है, आपको उसको हमेशा क्लीन रखना है।
तो ये कुछ एक बातें थी जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, स्पेशली फॉर एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए। और वीक में 2 टाइम्स आपने फेस पैक जरूर अप्लाई करना है, जो हमारे ऑयल को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। आप कोई भी होममेड फेस पैक ट्राई कर सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी, बेसन। स्पेशली मैं अपने क्लिनिक में मैं बेसन का बहुत ज्यादा यूज करवाती हूँ लोगों से, वो चाहे एज ए फेस वॉश हो या एज ए फेस पैक, आप बेसन यूज कर सकते हैं। उसमें हल्की सी हल्दी डाल के और लेमन डाल के आपके लिए वो बहुत अच्छा है, और आपको बहुत क्विकली रिजल्ट देगा इन केस ऑफ एक्ने प्रॉब्लम्स के लिए। तो ये तो बात थी हमारी डेली स्किन के रूटीन जो एक्ने प्रोन स्किन के लिए। अब बात करते हैं टॉपी बर्बेरिस एक्विफोलियम की। टॉपी बर्बेरिस एक्विफोलियम क्रीम क्या है? ये बर्बेरिस एक्विफोलियम का ही टॉपिकल एप्लीकेशन है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बर्बेरिस एक्विफोलियम के बारे में बताया है कि कितनी ज्यादा बेनिफिशियल है बर्बेरिस एक्विफोलियम, तो ये उसी का ही टॉपिकल एप्लीकेशन है। फॉर एक्ने एंड डर्मेटाइटिस, ये एक्सटर्नल यूज के लिए आती है। फॉर पिंपल्स प्रोन स्किन के लिए, जो एक्ने प्रोन स्किन रहती है तो उसके लिए बहुत अच्छी क्रीम है ये। स्पेशली जो ड्राइड आउट पिंपल्स हो जाते हैं, मीन जो ड्राइड आउट एक्ने हो जाते हैं, हमारी स्किन बहुत डर्टी डर्टी लुक लुक देती है, तो उस कंडीशन में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। एक्ने जो अपने स्पॉट्स हो जाते हैं उसको क्लियर करने के लिए, और स्पेशली हमारे स्किन के टोन को लाइट करने के लिए। जैसे मैंने आपको बर्बेरिस एक्विफोलियम का भी बताया था, तो ये स्किन टोन को लाइट करने में भी हेल्प करती है। और साथ ही साथ सोराइसिस की जो जिनको कंप्लेंट्स रहती है, सोराइसिस मींस कि जब हमारी स्किन जो है पाइल अप हो जाती है, बहुत ज्यादा स्केली सी हो जाती है, बहुत रीचिंग होती है, रेडनेस होती है, तो उस पर भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है टॉपी बर्बेरिस एक्विफोलियम। बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, ये 25 ग्राम की ट्यूब में है और ये 65 इसकी MRP है। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तकरीबन 1 महीने तक आप इसको कंटिन्यूसली यूज कीजिए, 2 टाइम आप इसको यूज कर सकते हैं, मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले आप इसको जरूर अप्लाई कीजिए, और ये आपकी स्किन को क्लियर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है और स्पॉट्स को भी लाइट करती है जो आफ्टर पिंपल या एक्ने रह जाते हैं। तो ये थी टॉपी बर्बेरिस एक्विफोलियम क्रीम। अगर आप बहुत ज्यादा क्विक रिजल्ट चाहते हैं तो आप बर्बेरिस एक्विफोलियम का टिंचर जरूर साथ में ले, मॉर्निंग और नाइट में 2 टाइम्स 10 से 15 बूंदे आधे गिलास पानी में। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक को लेकर, एक नई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए।